हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। और मेरा नाम अनिकेत पाठक है। और कुछ बच्चे ज़रूर जानते होंगे और जो बच्चे नहीं जानते होंगे वो आज जान जाएंगे प्यारे बच्चों कि मेरा नाम अनिकेत पाठक है। प्यारे बच्चों, इससे पिछले वाली क्लास में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए गए थे, विद्युत से रिलेटेड, लाइट से रिलेटेड। अगर जो बच्चे उस क्लास को अटेंड नहीं किए होंगे प्यारे बच्चों, आप उनको अटेंड जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपके बोर्ड पेपर से इतना रिलेटेड क्वेश्चन बताए गए हैं प्यारे बच्चों कि जरूर आपको 99% क्वेश्चन उससे फंसने के चांसेस है प्यारे बच्चों। और आज का जो क्वेश्चन हम लोग लाए हैं आज के क्लास में, आज के लेक्चर में प्यारे बच्चों, आपके फिजिक्स का लास्ट लेक्चर रहेगा बहुविकल्पी यानी मल्टीपल क्वेश्चन का प्यारे बच्चों। और कई बच्चों का मांग है कि सर लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चन कराइए आप, तो इसकी इसी से को ख़त्म करने के बाद आपका जो अगला लेक्चर आएगा वो लॉन्ग टाइप ही क्वेश्चन का रहेगा प्यारे बच्चों। तो आप लोग जल्दी से जल्दी पहले वाले लेक्चर को, पहले वाले क्लासेस को देख लीजिएगा। और आइए हम आपके समय को नुकसान ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या देखते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक गतिमान आवेशित कण क्या उत्पन्न करता है। क्वेश्चन आपको दिमाग में बैठाना है कि एक गतिमान आवेशित है, जैसे आइए हम रफली में समझते हैं थोड़ा सा, जैसे एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये आवेश हो गया। अब जब ये गतिमान हो जाए तो गतिमान यानी इसके एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने लगे, तो इसकी गति के कारण ये क्या उत्पन्न करेगा डियर स्टूडेंट। चलिए हम लोग गति करते हैं तो दूरी तय करते हैं, तो जब ये इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो इलेक्ट्रॉन के गति के कारण क्या उत्पन्न होता है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन ही आपका क्या होता है, आवेश होता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, आवेशित गतिमान आवेशित कण के द्वारा क्या क्या उत्पन्न होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो हमको दोनों उत्पन्न होते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा लगा देंगे, थर्ड प्यारे बच्चों, यानी दोनों आपके क्या हैं, सही हैं। यानी यहाँ हमको ये चीज क्लियर हो गया कि एक गतिमान आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। अब यहाँ क्वेश्चन ये आपसे पूछता है, क्वेश्चन को गौर से सुनिएगा डियर स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में कई बार पूछे जा रहे हैं कि कौन से जो है चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक नहीं है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको यहाँ ध्यान से देना समझना होगा कि कौन कौन से हैं, पहले अनुमान लगाइए कि ऐसा कौन है कि जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो सकता है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला भी होता है, हो सकता है, अनुमान लगाओ टेस्ला भी होगा, गॉस भी होते हैं और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है डियर स्टूडेंट। यानी बचा कौन, बचा आपका न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और यही चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है डियर स्टूडेंट। ध्यान से समझिएगा, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, कौन, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ये वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी है, टेस्ला भी है, गॉस भी है प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अब आपको क्या बताना है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, यानी इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है जो कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है प्यारे बच्चों। तो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक ये था, ये भी है, ये भी है, क्या इन तीनों में कोई ऐसा विकल्प है जो यहाँ मैच कर रहा है प्यारे बच्चों। आप देख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर एक ऐसा है जो कि मैच कर रहा है, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। प्यारे बच्चों फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। पहले क्वेश्चन को आप समझिए, इन्होंने क्या पूछना चाह रहे हैं,
कि विद्युत धारा के कारण जो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हुआ, विद्युत धारा के कारण जो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, इनकी खोज किसने की, इनको किसने बताया प्यारे बच्चों? तो सर्वप्रथम इनकी खोज जो ओरेस्टेड ने किया था, ओरेस्टेड ने बताया था प्यारे बच्चों कि जो विद्युत धारा होती है अगर वो किसी परिपथ में प्रवाहित किया जाए तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो उस वैज्ञानिक का क्या नाम है प्यारे बच्चों? ओरेस्टेड। ओरेस्टेड, ओरेस्टेड कहाँ गए प्यारे बच्चों? तो ये हैं, ओरेस्टेड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की क्या की थी, व्याख्या की थी प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट? विद्युत मोटर में किस ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, विद्युत मोटर क्या हस्तांतरित करता है प्यारे बच्चों? तो आप देखे होंगे आपके घरों में विद्युत मोटर लगाया गया होगा, तो विद्युत मोटर क्या करता है प्यारे बच्चों? विद्युत से चलता है ना, किससे चलता है? विद्युत से चलता है। तो विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। डियर स्टूडेंट एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, विद्युत मोटर क्या हस्तांतरण करता है, यांत्रिक ऊर्जा को हस्तांतरण करता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा में हस्तांतरण होता है प्यारे बच्चों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, यहाँ आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या हो सकता है प्यारे बच्चों। तो अभी आपने देखा था यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र पूछा है, दोनों में अंतर है प्यारे बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक ये तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है और ये तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। ध्यान से पढ़िए, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो बचा कौन? अरे बचा कौन, एक ऑप्शन यहाँ और होना चाहिए था प्यारे बच्चों, हमने लिखा नहीं उसको। तो इन तीनों में से ही कोई एक है, वो तीनों में से कोई एक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। याद करना है हमको, दिमाग में बैठाना है कि न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। आगे डायनमो उत्पन्न करता है, डायनमो क्या उत्पन्न करता है प्यारे बच्चों? डायनमो क्या उत्पन्न करता है? डायनमो क्या उत्पन्न करता है डियर स्टूडेंट? डायनमो जो है विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करता है। करता कैसे है प्यारे बच्चों? डायनमो होता है, एक कुंडली होती है, क्या होती है? कुंडली, एक आर्मेचर होता है प्यारे बच्चों। इसको आप रख के जब चुंबकीय क्षेत्र में रख के इसको घुमाते हो तो घुमाने के पश्चात ये क्या करता है, वहाँ पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर देता है। तो प्यारे बच्चों डायनमो क्या उत्पन्न करता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, यानी विद्युत धारा किस युक्ति के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, विद्युत धारा किस उपकरण के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाले उपकरण का नाम बताओ। तो प्यारे बच्चों विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाले जो उपकरण होते हैं वो गैल्वेनोमीटर नहीं होता। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? बताता है कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है। अब मोटर तो आपने अभी पढ़ा कि ये यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत ऊर्जा को, और अमीटर धारा को मापती है, अमीटर के द्वारा धारा मापा जाता है प्यारे बच्चों। तो एक ऑप्शन बचता है, वो क्या होता है? जनित्र, यानी विद्युत जनित्र के द्वारा, विद्युत जनित्र के द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? जैसे हम लोग यहाँ से देखते हैं तो आकाश का रंग हम लोगों को आसमानी कलर का दिखाई पड़ता है, तो अंतरिक्ष में जब आप चले जाते हो डियर स्टूडेंट तो वहाँ पर आकाश का रंग क्या दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। क्यों काला दिखाई पड़ता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। डियर स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का जो बना प्रतिबिंब होता है वो होता है,
तो डियर स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा कि एक अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है और साथ साथ में सीधा बनता है प्यारे बच्चों। तो आभासी और सीधा बनता है, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का जवाब ये हो जाएगा, आभासी और सीधा बनता है, आभासी और क्या बनता है, सीधा बनता है। चलिए डियर स्टूडेंट, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों ने देख चुके थे, अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप ऑप्शन को पकड़ना स्टार्ट करो कि प्रतिबिंब लेंस पे तो बनता नहीं, लेंस में प्रतिबिंब बनता है नहीं, प्रतिबिंब बनेगा रेटिना, रेटिना से आगे, रेटिना से पीछे, तो लेंस पे बनने वाला ऑप्शन खत्म, यानी ये तो आपका उत्तर होने वाला नहीं। अब बात आता है कि रेटिना पे बनता तो दोष होता ही नहीं, रेटिना पे प्रतिबिंब बनता तो दोष आपके अंदर पाया ही नहीं जाता, तो आपको वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ता, यानी ये भी ऑप्शन गलत हो गए। आपके सामने एक बचा जो कि रेटिना से पीछे, यानी आपका जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना जैसे, अगर आपकी ये है तो ऐसे जैसे आपने मानव नेत्र ये ऐसे कुछ बना लीजिएगा ऐसे करके, और ये रेटिना हो गई, इससे चलने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं वो रेटिना से कहाँ बनने लगती हैं, पीछे बनने लगती हैं। तो रेटिना से जब पीछे बनता है तो कौन सा दोष होता है, दूरदृष्टि दोष, इसीलिए तो इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं कि रेटिना से दूर बन रहा है। अगर रेटिना से नज़दीक बनता तो निकट दृष्टि दोष होता है, रेटिना से दूर बनता है तो दूरदृष्टि दोष होता है। और प्यारे बच्चों दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, किस लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। फिर से एक बार क्लियर करते हैं कि दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना से पीछे बनता है, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बनता है, और निकट दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, रेटिना से आगे बन जाता है। जैसे यही क्वेश्चन बदल दें कि निकट दृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो रेटिना के आगे बन जाएगा। और निकट दृष्टि दोष में किसका उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 5 मीटर है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 12 नंबर क्या कर रहा है, फोकस दूरी यानी एफ बराबर कितना है, 5 मीटर है। कितना है प्यारे बच्चों, 5 मीटर है। इसकी क्षमता यानी पावर पूछ रहा है, तो प्यारे बच्चों पावर इक्वल टू 1/f पढ़ा आपने, ठीक, एक ये है, f का मान कितना है, 5 है। कितना है प्यारे बच्चों, 5 है। अब इसको आप डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे प्यारे बच्चों तो 0.2 डायोप्टर आ जाएगा। तो आप ऑप्शन नंबर देख सकते होंगे, पहला मैच कर रहा होगा कि इसकी जो क्षमता होगी वो 0.2 डायोप्टर हो जाएगी प्यारे बच्चों। फिर से आप समझिएगा, किसी भी लेंस की क्षमता, चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, उसकी क्षमता फोकस दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो लेंस की क्षमता P बराबर क्या हो जाएगा, 1/f, f का मान कितना है, 5 है। तो 5 रख दिए तो इसको भाग दिया गया, 5 में 1 से भाग दिए तो 0.2 डायोप्टर आ गया। तो इस प्रकार आपका ये ऑप्शन सही हो जाता है प्यारे बच्चों। फिर कह रहा है प्रकाश का वेग किस में अधिक होता है, मिट्टी में, जल में, कांच में, वायु में। तो एक बात ध्यान से समझना है, जो प्रकाश का जो चाल होता है वो विरल माध्यम में सबसे अधिक होता है प्यारे बच्चों। विरल माध्यम क्या होता है, जैसे विरल माध्यम के जो कण होते हैं वो अत्यंत थोड़ा दूर दूर रहते हैं सघन की तुलना में, सघन की तुलना में। तो प्यारे बच्चों जो प्रकाश का वेग होगा वो किस में अधिक होगा, कांच, जल, मिट्टी, ये तीनों, इससे इसकी तुलना में ये तीनों सघन है, ये तीनों क्या है, सघन है। यानी सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किस में होगा, वायु में होगा प्यारे बच्चों। तो प्रकाश का चाल इन चारों में सबसे ज्यादा किस में हो जाएगा, वायु में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 32 सेंटीमीटर है। चलो क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, 14 क्या कर रहा है, 14 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी यानी एफ पूछ रहा है, जिसकी वक्रता त्रिज्या यानी आर बराबर 32 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों बार बार हम बता रहे हैं कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है,
एफ बराबर आर बटे दो। आर कितना है प्यारे बच्चों, 32 है, बटे दो कर दिए कितना आ गया 16, 2 16 में 32। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते होंगे कि 16 सेंटीमीटर ये है। इस प्रकार आपका जो 14 नंबर होगा उसका जवाब ये हो जाएगा। प्यारे बच्चों एक बार फिर से इसको क्लियर कर लीजिएगा। फोकस दूरी पूछ रहा था, वक्रता त्रिज्या दी गई थी 32 सेंटीमीटर, आप यहाँ रखे इसको कैंसिल किए तो 16 आ गए प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार आपका ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या करा, ओम के नियमानुसार धारा व विभवांतर का ग्राफ होता है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप ओम के नियम को थोड़ा सा रिवीजन करिएगा, रिपीट मारिएगा। ओम का नियम क्या होता है, ओम ने बताया था कि V प्रोपोर्शनल क्या आई, यानी यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, यदि चालक के भौतिक अवस्था में आप कोई परिवर्तन नहीं करते हैं तो जो चालक में बहने वाली धारा होती है, जो चालक में बहने वाली धारा आई होती है वो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। अर्थात जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे धारा का मान बढ़ता चला जाता है, ये आपसे ओम ने बताया था। अब इनका जो ग्राफ होता है डियर स्टूडेंट, वो ग्राफ ऐसे होता है कि ये आपने क्या कर लिया, ये मान लिए वोल्टेज, आगे हम बढ़ेंगे तो वोल्टेज बढ़ता चला जाएगा, ये आपने मान लिया धारा, तो ये एक सीधी रेखा प्राप्त होती है इनके बीच एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, यही ओम के नियम को दर्शाता है। तो प्यारे बच्चों ओम के नियमानुसार धारा और विभवांतर में एक सीधी रेखा क्या होती है, प्राप्त होती है, और ये सीधी रेखा किसको दिखाता है, प्रतिरोध को दिखाता है। प्यारे बच्चों किसको दिखाता है, प्रतिरोध को दिखाता है। आइए आगे करते हैं। क्या करा है, एक लघु परिपथ में धारा का मान होता है, लघु परिपथ में धारा का मान क्या होता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, जब भी घरों में लघु परिपथ होता है तो उस दौरान धारा का मान एकाएक क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, एकाएक बढ़ जाता है। प्यारे बच्चों तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, जब लघु परिपथ में धारा का मान क्या होता है, अधिकतम हो जाता है, जितना रहता है उससे ज़्यादा कई गुना धारा बढ़ जाता है। प्यारे बच्चों अगला सवाल क्या करा, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। कितनी है प्यारे बच्चों, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, फोकस दूरी कितनी है, कितनी है 20 सेंटीमीटर है, कितनी है 20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या आर पूछ रहा है। प्यारे बच्चों तो अभी आपने पढ़ा था यह बराबर आर बटे दो, या तो ये भी होता है, या आपने पढ़ा होगा आर बराबर 2f। इसका डेरिवेशन हमने करा के रखा है प्यारे बच्चों, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं प्यारे बच्चों, और नहीं तो आपके इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में ये वीडियो पड़ा है प्यारे बच्चों, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ये आपको वहाँ क्वेश्चन अवेलेबल मिलेगा। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होती है, एक बार जरूर देखिएगा, जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है वो कई बार पुटअप किया गया है डियर स्टूडेंट। तो आइए, आर बराबर 2f होता है, तो 2f का मान कितना है प्यारे बच्चों, 20 है, तो 20 दूरी कितना होता है 40। तो आप देख सकते होंगे कि अगर आपको 40 सेंटीमीटर कहीं दिखाई पड़ रहा है तो वहां पर आप इसको टिक लगा सकते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध होता क्या है प्यारे बच्चों, जो धारा होती है उस धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। ये बात हमको समझ में आ गई, आपको भी आ जाना चाहिए कि धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना ही प्रतिरोध कहलाता है। इसे व्यक्त किससे करते हैं, कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है प्यारे बच्चों ओम होता है, क्या होता है ओम होता है। तो हमने ओम पे टिक लगा दिए प्यारे बच्चों। कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है, और जूल किसका होता है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है डियर स्टूडेंट। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, विद्युत जनित किस सिद्धांत पे आधारित है। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा, क्या कर रहा है, विद्युत जनित किस सिद्धांत पे आधारित होता है। तो प्यारे बच्चों विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे आधारित होता है। आगे क्या कर रहा है, स्नेल का नियम है, ये स्नेल का तो नियम है नहीं, क्यों, क्योंकि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर सदैव आपस में बराबर होते हैं, ये किस नियम को बताता है, परावर्तन के नियम को, तो ये तो होने वाले नहीं।
अब ये कोड आई प्लस कोड आर बराबर 90, ये तो कोई रूल ही नहीं है प्यारे बच्चों, तो ये भी कैंसिल, यानी साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, ये स्नेल के नियम को व्यक्त करता है, जहां आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार आपकी पूरी फिजिक्स 2020 में जितने बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके रिलेटेड थे बोर्ड के पेपर से या आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट था प्यारे बच्चों, वो हम लोग आज समाप्त कर लिए हैं डियर स्टूडेंट। और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को देख लीजिएगा और अपने दिमाग में और इसको बैठा लीजिएगा प्यारे बच्चों, कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे डियर स्टूडेंट। और रही बात लॉन्ग टाइप प्रकार के क्वेश्चन को, तो उसको भी हम लोग अगले लेक्चर में ज़रूर सॉल्व करा देंगे प्यारे बच्चों। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार बच्चों, धन्यवाद।